बाबर आजम और उनके साथी भारत अनहोनी को होनी करने के लिए पहुंचे थे। अनहोनी को होनी कर दी, होनी को अनहोनी। पाकिस्तान टीम आज तक 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत को शिकस्त देने में नाकाम रही है और इसी अनहोनी को होनी करने अमर अकबर एंथनी से लबरेज बाबर आजम इंडिया पहुंचे। अहमदाबाद में पाकिस्तान की कारकर्दगी के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अमर अकबर एंथनी बाबर आजम के अंदर दिखाई दिया। गुज़िश्ता कुछ माह से बाबर आजम बिल्कुल ऐसे ही अपने मुखालिफिन की पिटाई कर रहे थे जैसे आप इस सीन में देख रहे हैं। ले ला इस कचरे को कचरे के साथ डाल देना कचरे की नाली में। वर्ल्ड कप में जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि वो किसी से कम नहीं। देखो भाई अपन को कोई फांदेबाजी नहीं चाहिए, नहीं तो अपन भी राधा। मैच से पहले इंस्पेक्टर अमर की तरह उन्होंने एंथनी को चैलेंज किया। यहाँ का दादा है तू, हाँ चल देखता हूँ तेरे में कितना दम है। लेकिन जब दूसरी तरफ से असली इंस्पेक्टर अमर आ गया तो एंथनी की तरह इन्होंने भी अपने पार्टनर से मदद मांगी। पार्टनर ये पिटाई में भी 50-50 आ जाना। देख अपन जाता है जरा संभालना, इज्जत का सवाल है। मैच के बाद कुछ देर को तो बाबर आजम को ये सीन याद आया होगा। तुम अपन को 10-10 मारा, अपन तुमको सिर्फ 2 मारा। वन बुलेट मारा कि नहीं? तो ड्रेसिंग रूम में आकर उन्होंने अपने साथियों से यही कहा होगा। बस हो गया पिटाई। और बाहर निकलते ही जब मीडिया ने टेढ़े सवाल किए तो अकबर की तरह मिनहनी सी आवाज में उनका जवाब यही था। चाहता तो मैं भी हाथ उठा सकता था, लेकिन मैं मार पिटाई से नहीं अंथनी भाई, प्यार मोहब्बत से इंसान को जीतना चाहता हूँ।